नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जे आर ई वी अनबॉक्सिंग में। आज अभी आप देख रहे हो कि मैं ये बाल्टी लेके क्यों बैठा हूँ, बाल्टी लेकर क्या कर रहा हूँ, लेकिन आज हम जिस प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करेंगे वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि हर घर में बाल्टी वगैरह हो गए, बर्तन वगैरह, प्लास्टिक या कुछ भी चीज़ टूट फूट जाती है ना, तो उस चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर वो चीज़ है क्या और आपको क्या वो चीज़ काम आएगी और उसकी ज़रूरत, हर घर की ज़रूरत क्यों है वो। तो देखिए, अभी मैं आपको लाइक के बता देता हूँ कि वो जो चीज़ है ना, वो ये वाली चीज़ है। ये मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवाई है, मात्र 250 रुपये के अंदर ये मेरे को मिल गई है। लेकिन अभी इसके अंदर है क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ और अपने काम कैसे आएगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, इसको अभी बाहर निकाल के बता देता हूँ मैं आपको पूरी तरह से कि कैसे ये काम आएगी। तो इसके लिए अपने क्या करना है कि इसको निकाल लेते हैं बाहर। बाहर निकालने के लिए इसको फाड़ना होगा, तो यहाँ से मैं इसको काट लेता हूँ। काटना क्या, इसको अभी बहुत ही अच्छी तरह से आपको मैं इसका टेस्टिंग करके भी बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि वास्तव में ये चीज़ आपके लेने लायक है या नहीं है। तो दोस्तों, जो चीज़ हमने मंगवाई है वो ये रही है भाई साहब। तो ये चीज़ क्या है अभी आपको पता चल जाएगा। ये भी एक टाइप की गन है, लेकिन ये शूटिंग वाली गन नहीं है। ये जो गन है वो आपके घर के अंदर काम आने वाली ऐसी चीज़ है कि आप सोच नहीं सकते इसके इफ़ेक्ट का बारे में क्या होगा। और साथ में इसके अंदर अपने को मिल जाते हैं ये वाले स्टिक, ये है ग्लू गन। अब आपको मैं बता ही देता हूँ, ये ग्लू गन है और हम इसका टेस्टिंग करेंगे कि वास्तव में ये टूटे फूटे जो हर प्रकार के जो चीज़ें होती है उसको चिपका पाएगी या नहीं पाएगी। तो सबसे पहले तो इस ग्लू गन को मैंने बाहर तो निकाल लिया है और इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि ये जो स्टिक है ना, स्टिक को इसके अंदर डालनी है और देखते हैं कि ये स्टिक को हिट कर पाती है कि नहीं कर पाती। क्योंकि अमूमन ग्लू गन जो स्टिक अपन डाल दे ना इसके अंदर, ये उसको हिट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है और काफ़ी ग्लू वेस्ट हो जाता है और ग्लू बाहर नहीं निकलता है, से अंदर ही भरा रहता है। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, ये जो ग्लू स्टिक है इसको अंदर डालते हैं। अभी आप वीडियो में बने रहना, क्योंकि अभी जो अपने पास टूटी हुई है बाल्टी जो है ना, इसको अगर चिपका के देखते हैं कि ये जो इसका ये टूटा फूटा जो घाव है ना, यहाँ पे ये रिपेयर कर पाती है या नहीं कर पाती है, क्योंकि स्टिक का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। बाकी ये वापस इसके अंदर से पानी लीकेज होने लगेगा, तो इसके अंदर पानी भी भरेंगे और देखेंगे कि ये लीकेज ठीक होता है या नहीं होता है। तो ये स्टिक को आपको अंदर तक डाल लेना इसके अंदर, ठीक है। और अंदर डालने के बाद जो ये प्लग आ रहा ना, इसको अपन को इलेक्ट्रिक प्लग के शॉक के अंदर लगा लेना है। तो मैं इसको अपने जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है उससे कनेक्ट कर देता हूँ और फिर इसके अंदर से देखते हैं कि ग्लू निकलता है या नहीं निकलता है। कनेक्ट कर दिया है और अब ये जो ऊपर वाली जो रेड लाइट है ना, ये जलेगी। देखना, ये बटन दबाया, रेड लाइट जल गई है। अब ये जो ग्लू गन है ना, इसके अंदर से यहाँ से ग्लू बाहर आएगा। और अभी क्या है कि इसका हीटिंग टाइम कितना है वो भी अपने को टाइम लगेगा, इसमें हीट होएगी है, तो 4-5 मिनट आपको वेट करना है ताकि ये अंदर के जो, इसके अंदर क्या है कि जो मोटर लगी होती है ना उससे ये गर्म होती है स्टिक, और फिर यहाँ से ग्लू जो है ना इसके अंदर से पिघल के बाहर आता है। ये देखिए दोस्तों, इसका ग्लू जो है ना अभी बाहर आ रहा है। देखिए, आपको दिख रहा होगा आगे के नोज़ल के ऊपर, देखिए ये पिघल रहा है ग्लू और बाहर की ओर आ रहा है। तो दोस्तों, अपने जो ये फूटी हुई बाल्टी है इसके ऊपर मैं इसको धीरे धीरे अप्लाई करता हूँ और आराम से निकल रहा है, कोई दिक्कत आ नहीं रही है। जैसे अपन इसका ट्रिगर प्रेस करते हैं तो ग्लू बाहर आने लगता है और आराम से अच्छे से मैं इस पर सेट कर लेता हूँ ताकि क्या कि आराम से इस बाल्टी को अपन अच्छे से चिपका पाएँ, ठीक है ना। तो जितना हो सके उतना आपको दिख रहा होगा ये ग्लू पारदर्शी होता है, लेकिन अब यहाँ पे लीकेज नहीं होगा क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है। मैं उंगली टच कर रहा हूँ तो देखिए मेरी उंगली पे भी चिपक जाता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा, जैसे अपने कोड़ताल होता है ना डांबर की तरह चिपक जाता है, ठीक है ना। तो ये अपन सेट हो गया, क्योंकि प्लास्टिक की चीज़, प्लास्टिक का जो ग्लू उस पर गिरेगा तो ये उसी मटेरियल को आराम से पकड़ लेगा। तो दोस्तों, इस बाल्टी मैंने पानी भी भर लिया है, ठीक है ना। जहाँ तक ये फूटी हुई है आपको निशान दिख रहा होगा अंदर, देखो देखो दोनों जगह से मैंने इसको ग्लू लगाया हुआ है। तो मैं बाहर की साइड से भी बता देता हूँ, ये देखिए यहाँ से भी ये बिल्कुल भी अब लीक नहीं कर रही है, ठीक है ना। आपको कहीं पे भी इसमें पानी का जो नीचे, देखिए मैं आपकी उंगली घुमा के दिख देता हूँ, पानी का कहीं पे भी मेरे हाथ पे देखो यहाँ पे कोई भी निशान नहीं है, ठीक है ना। अच्छी तरह से ये सेट हो चुका है ग्लू। और इस टाइप से अपन क्या होगा कि आपके घर पे जो कुछ भी बर्तन होते हैं ना, प्लास्टिक वगैरह के, कोई भी चीज़ टूट फूट जाती है या फिर कहीं अपने स्कूल के कोई प्रोजेक्ट होते हैं या कुछ भी चीज़ अपन को चिपकानी होती ना, तो ये ग्लू गन सबसे बेस्ट है। देखिए, तो यार ये तो बड़ी काम की चीज़ लगी, इसीलिए मैंने आपके सामने इसका रिव्यू और टेस्टिंग किया। तो दोस्तों, ये 250 रुपये की ग्लू गन अपने घर के अंदर बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है और लिटरली ये प्रोडक्ट मेरे को बहुत ही पसंद आया था, मैंने पर्सनल यूज़ के लिए मंगाया और आपके सामने भी इसका रिव्यू करके और टेस्टिंग करके बताया कि ये कितनी काम आ सकती है अपने, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो इस टाइप से पसंद आते हैं तो साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले धमाकेदार वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाएंगे। तो दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ मैं और धमाकेदार प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत दोस्तों।